हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हूँ हाजिर एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म यानी कि सेल्फी के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, जो कि अभी अभी रिलीज हुआ है। और देखो, ऐसे तो 3 ही महीने हुए हैं अक्षय कुमार की कोई फिल्म को आए राम सेतु को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार बहुत टाइम हो गया। मतलब दिस इज द स्पीड एट विच उनकी फिल्में आती थी, तो अब आदत सा हो गया है। और इसी के रिगार्डिंग एक डायलॉग भी है इसमें कि भाई साहब, 4 फिल्में करनी पड़ती हैं साल में, 2 OTT के लिए और इतने सारे ब्रांड इंडोर्समेंट, तो वो डैम फनी था, वो बहुत हिलेरियस था। जेन्युइनली बहुत हंसी आया वहां पे हमको, और लग रहा था आप बीती अपने बारे में ही बता रहे हैं। वो तो वो एक सुपरस्टार बने हैं। अब दिस इज एन ऑफिशियल रीमेक, एक मलयालम फिल्म है ड्राइविंग लाइसेंस, उसका ये ऑफिशियल रीमेक है, लेकिन मेरे लिए तो एक नए फिल्म की तरह काम करता है क्योंकि हम ड्राइविंग लाइसेंस देखे नहीं है, और जो कि बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि बहुत समय बाद एक अक्षय कुमार का जो फिल्म आया, जिसका ट्रेलर आया, और वो हमको जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजेदार, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन थिएटर्स, ऐसा हमको फील दिया। क्योंकि हर कुछ है इसमें, एक्शन आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक्शन इन द सेंस कि वो शूटिंग ही हो रहा रहता है, लेकिन अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलता है। जिस तरह के वो स्टंट्स कर रहे हैं अक्षय कुमार, वैसे कोई फिल्म में करें, वो फैन चाहते हैं कि वो इस तरह का एक्शन, जेन्युइन एक्शन फिल्म में वो करते हुए नजर आए, जो कि वो शूटिंग करते नजर आ रहा है इसमें। और उसके बाद कॉमेडी है इसमें, ड्रामा है, इमोशन है, सब कुछ देखने को मिलता है। तो ये कहानी एक सुपरस्टार और एक सुपर फैन की, सुपरस्टार यानी कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर और इमरान हाशमी और उनका बेटा, जो कि डाई हार्ट फैन रहते हैं उनके, और बस उनका एक ही ख्वाहिश रहता है कि बस किसी भी तरह विजय कुमार यानी कि अक्षय कुमार कैरेक्टर के साथ उनको एक सेल्फी मिल जाए। और उसी के साथ वो पुलिस इंस्पेक्टर भी रहते हैं इमरान हाशमी, तो कुछ ऐसा होता है कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहता है, और उन्हें वो सोचते हैं कि हम ड्राइविंग लाइसेंस उनको तुरंत बना के देते हैं 2 दिन में, और इसी बहाने एक सेल्फी भी मिल जाएगा हमको और मेरे बेटे को भी साथ में। लेकिन फिर वहां पे क्या ऐसा होता है उस ऑफिस में कि वो अगेंस्ट हो जाते हैं उसके, और जो इमोशन कनेक्ट है, जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, वो उनका और उनके बेटे का रिलेशनशिप, यानी इमरान हाशमी उनके बेटे का रिलेशनशिप, वहां पे उनका बेटा जो है उनके अगेंस्ट में हो जाता है, वो बोलता है कि आप हीरो हो मेरे, और फिर वो बोलते हैं, मतलब डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं कि अब मेरा स्टार हारेगा और तुम्हारा स्टार जीतेगा, तो उस तरह के डायलॉग्स हैं वो, जो कि काफी हमको अच्छा लगा डायलॉग्स। और कॉमेडी भी जेन्युइनली फनी, स्पेशली ये वाला सीन की वॉल्यूम बढ़ाई, वो वाला सीन में लिटरली बहुत हंसी आया हमको, तो कॉमेडी भी काफी अच्छा है इसमें। आपको नुसरत भरूचा भी देखने को मिलती है, डायना पेंटी का भी एक ही सीन आया हमको लगता है कि शायद एक ही बार दिखाया गया, उनका कितना रोल है हमको पता नहीं क्योंकि हम ओरिजिनल भी देखे नहीं है। और उससे ज्यादा तो हमको लगता है मृणाल ठाकुर दिख गए हमको 2-3 फ्रेम्स में। तो बहुत सारे कैमियोज होंगे क्योंकि एक्शन मतलब स्टार बने हैं, एक एक्टर बने हैं, तो इस तरह के कैमियोज तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं इस फिल्म से। और जो सबसे बड़ा हाईलाइट हमको लगा वो है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी गाना, वो जब गाना आता है माहौल बना देता है, लिटरली नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगा और बहुत ही जबरदस्त माहौल बना देता है। और राज मेहता एक बहुत ही काबिल डायरेक्टर है मेरे हिसाब से, तो वो एक अच्छी फिल्म बना के ले जाएंगे हमको लगता है। सो 24th of February रिलीजिंग सेल्फी, और इसके गाने भी काफी अच्छे होंगे, यो यो हनी सिंह का भी कुछ गाना है इसमें शायद, तो हमको लगता है कि जो एल्बम होगा वो भी काफी अच्छा खासा होगा। सो दिस इज एन अक्षय कुमार फिल्म, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, और आई होप कि ये एक अच्छा फिल्म साबित हो और उनका जो अनफॉरगेटेबल ईयर रहा है पिछले साल उसको वो भुला के एक फ्रेश स्टार्ट लें इस साल और एक अच्छा हिट हम लोग के सामने डिलीवर करें। सो मेरे हिसाब से सेल्फी का ट्रेलर हमको बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और जो भी आपके राय, जो भी आपके थॉट्स हो, और अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आए आपसे मिस ना हो जाए। कुछ और बात करनी, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।